अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सैंडविच, और बगैर ब्रेड के बनाएंगे, जो खाने में जितने टेस्टी हैं उतने ही ज्यादा हेल्दी भी हैं, और इन्हें बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त सैंडविच तैयार हो जाते हैं। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, हम सैंडविच मेकर को प्री हीट कर लेंगे। इसे थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। अच्छे से ग्रीस करना है आपने दोनों साइडों को, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। इससे क्या होगा कि आपका सैंडविच जो है इसके अंदर चिपकेगा नहीं। ये सैंडविच जो है बहुत ही मजे के बनते हैं। आप बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, बहुत हेल्दी हैं। और आप टी टाइम में, शाम में स्नैक के तौर पर बना सकते हैं, या जो लेट नाइट तक काम करते हैं, रात को भूख लग जाती है तो आप उसके लिए बना सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है सैंडविच मेकर को। अब इसे हम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। तो 5 मिनट, जब तक ये प्री हीट होता है इतनी देर हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बाउल लिया, उसके ऊपर हमने छन्नी रखी है। छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1 कप बेसन और इसे छान लेंगे अच्छे से। बेसन आप जब भी यूज करें तो हमेशा छान के यूज करें। इससे जो है, एक तो आपका बैटर बहुत जबरदस्त तैयार होगा, उसमें लम्स नहीं बनेंगे, गुठलियां नहीं बनेंगी, और दूसरा ये कि अगर उसके अंदर कोई गंद वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए हमेशा छान के यूज किया करें। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। इसके अंदर हमने लिया लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी लिया 1/4 टीस्पून, नमक लिया 1/2 टीस्पून, जीरा लिया 1 टीस्पून, और सूखे धनिया का पाउडर लिया है, पिसा हुआ सूखा धनिया जो होता है वो लिया हमने 1 टीस्पून। ये सारे मसाले डाल देंगे। यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, उनको हमने बारीक काट लिया है। ये हमने लिया है बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ये डालेंगे हम तकरीबन 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको, पानी डालेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। आपने इसको बहुत ज्यादा लिक्विड ही नहीं करना, पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। ये ना हो कि आप बहुत ज्यादा पानी डाल दें तो वो बहुत ज्यादा लिक्विड ही हो जाए। हमें एक थिक सा बैटर चाहिए इसका, बहुत ज्यादा रेनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह का थिक बैटर होना चाहिए आपका। अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियां डालेंगे। यहाँ पे हमने सब्जियां ली हैं। ये हमने आलू लिया था एक दरमियाने साइज का, 1/2 कप लगा लें। इससे हमने जो है कद्दूकस कश कर लिया है, अच्छे से धो के कद्दूकस कर लें, फिर से दोबारा से धो लें आप। यहाँ पे हमने गाजर ली है, ये भी 1/2 कप है, इसको भी हमने अच्छे से छील के धो के और कश कर लिया है। आपने अगर कश नहीं करना तो आप इनको बहुत बारीक चॉप कीजिएगा, क्योंकि हम इसको सैंडविच मेकर में बनाएंगे। अगर आप इनको जो है मोटा काटेंगे तो फिर ये अच्छे से पकेंगे नहीं। और 1/2 कप भी हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डाल के। आपने इनको बारीक बारीक चॉप करना है या फिर कश करना है, ताकि इसका जो है अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। आप अगर कोई और सब्जी इसके अंदर डालना चाहें अपनी पसंद से तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वही बात कि आपने इनको बारीक बारीक जो है वो कट करना है, या बारीक बारीक चॉप करना है, या फिर क्रश उसमें कद्दूकस शकस कर लें, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि वहां पे सारी सब्जियों का जो साइज है आपका वो एक जैसा होगा, तो आपका सैंडविच जो है बहुत जबरदस्त बनेगा। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सैंडविच बहुत जल्दी तैयार होते हैं। इसमें जो आपका टाइम लगता है वो सिर्फ आपको, यानी कि सब्जियां काटने में टाइम लगता है, वैसे ही बहुत जल्दी तैयार होता है। बहुत ही मजे के तैयार होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर देंगे तो बच्चे खाएंगे भी बहुत खुश होकर और हेल्दी भी रहेंगे। या फिर आप, कुछ लोग होते हैं जैसे रात में देर तक काम कर रहे होते हैं, रात को भूख लग जाए तो कोई भी चीज नहीं होती, समझ नहीं आता क्या खाएं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आप ये झटपट से बना सकते हैं। तो चलें, ये हमारा देखें जो बैटर है वो तैयार हो गया। अब इनको बेक करते हैं सैंडविच मेकर में। तो यहाँ पे हमारा सैंडविच मेकर जो है वो प्री हीट हो गया। ये देखें, ऑन करेंगे इसको। इसके अंदर स्पून की हेल्प से ये बैटर डालना शुरू करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून आप डाल लें। ये हमने इनको अच्छे से सेट कर लिया।
अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको जो है इसमें कुक करना है, टाइम देना है। आपने इस लाइट को फॉलो नहीं करना है क्योंकि ये लाइट जो है बहुत जल्दी बंद हो जाती है 1 से 1.5 मिनट में। तो हमने इसको कुक करना है 7 से 8 मिनट, तकरीबन जो है ये अच्छे से कुक हो जाएगा इतने टाइम में और इसका एक प्यारा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे 7 से 8 मिनट के बाद। 7 मिनट हो चुके हैं, सैंडविच को चेक कर लेते हैं। पहले सैंडविच मेकर को बंद करेंगे तो इसे खोलेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने जबरदस्त ये जो है पके हैं। इनका कलर आप चेक करें कितना प्यारा है माशाल्लाह। इनको एहतियात से निकालेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत जो है वो नरम भी है, टूट ना जाए, आपने आराम से निकालना है। और जो है सैंडविच मेकर भी बहुत गर्म है तो इनको आराम से आप अलहदा कर लेंगे यहाँ से स्पून की हेल्प से, छुरी की हेल्प से। तो तैयार है हमारे वेज सैंडविच, बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही जो है हेल्दी सैंडविच हमारे तैयार हैं। ये देखें कितने जबरदस्त जो है ये बने तैयार हुए हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी वीडियोज देखने को मिलती रहें।